तो फ्रेंड्स आप लोग भी जानना चाहते हैं व्हाट्सएप पे अभी तक, अभी व्हाट्सएप का यही अपडेट था कि 1 घंटे के अंदर में किसी पर्सन को मैसेज आप डिलीट कर देते तो एवरीवन दोनों तरफ डिलीट हो जाता था। व्हाट्सएप का न्यू अपडेट आया है एंड डिलीट हो जाएगा 7 दिन के अंदर में अगर आप वो मैसेज उस पर्सन का डिलीट करना चाहते हैं तो। अगर ये फीचर्स आपको नहीं मिला है तो आप प्ले स्टोर पर जाके सबसे पहले व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। एंड ये सेटिंग आपको आगे मैं बताता हूँ, आगे लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही मैं वीडियो ऐसा लाता रहता हूँ आपके लिए हेल्पफुल तो आप तक पहुँच जाए। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ चुके हैं अपने फोन स्क्रीन पर व्हाट्सअप की कौन सी सेटिंग है जो व्हाट्सअप पर मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा 7 दिन के अंदर में। तो व्हाट्सअप आपको ओपन कर लेना है अपना। व्हाट्सअप पे ओपन करने के बाद मैं एग्जाम्पल में मैं किसी को भी ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं इतना मैसेज किया हूँ, ये मैसेज ऑटोमेटिक 7 दिन के अंदर में डिलीट हो जाएगा। ऑटोमेटिक कैसे होगा, आपको इस पिक पर क्लिक करना है। पिक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक आइकन का ऑप्शन दिख जाएगा। आइकन का ऑप्शन दिखने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डिस्पेयरिंग मैसेज, उस पर आपको क्लिक करना है। डिस्पेयरिंग मैसेज क्लिक करने के बाद आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन दिख जाएगा। तो फिलहाल अभी ये ऑफ होगा तो आपको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आप फिर बैक आ जाइएगा तो इनके प्रोफाइल आप खोल के देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आइकन दिखेगा आपको, वॉच का बन जाएगा। तो 7 दिन के अंदर में वो मैसेज दोनों तरफ से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो को